नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं रिलायंस पावर की। 21 रुपए का स्टॉक हो चुका है और आज के दिन भी अगर आप देखेंगे तो 120 मिलियन शेयर्स लगभग यहाँ पर ट्रेड हुए हैं। दो बड़ी खबरें हैं आप देखेंगे स्टॉक में। लगातार एक अच्छी खबर आ रही थी, लगभग यहाँ पे 8 करोड़ शेयर्स जो है वो दिए गए हैं। खरीदे किसने हैं, किसको मिले हैं, किसको अप्लाई किए गए थे, 20 रुपए के प्रीमियम पर बाय किया है, 10 रुपए का स्टॉक प्राइस है, 10 रुपए का प्रीमियम यहाँ पर मिला है कंपनी को, किस व्यक्ति ने 8 करोड़ स्टॉक्स यहाँ पर बाय किए हैं, बात करेंगे इस बारे में। चर्चा होगी कि देखिए रिलायंस पावर में लगातार निवेशकों की संख्या घट रही थी, लगातार अगर आप FII को देखेंगे वहां पर नंबर ऑफ FII कम हो रहे थे, बट अभी के लिए यहाँ पे नंबर ऑफ FII सिर्फ ना बढ़े हैं बल्कि यहाँ पे निवेशक भी बढ़े हैं। कंपनी में भारी भरकम निवेश यहाँ पर आया और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो स्टॉक अपना मोमेंटम ट्रैप जो था वो ब्रेकआउट करके बना रहा, बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न यहाँ पर बन रहा है। खरीदारी कहाँ पर करनी है, कितना टारगेट लेकर के चलना है, सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको रिटर्न दिखा देता हूँ, कंपनी ने कितना रिटर्न आपको ऑलरेडी दे दिया है, उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे कि आगे किस तरफ जा सकती है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 6 महीने में 96% का रिटर्न आपको मिला है, 3 महीने में 42% का और 1 महीने में 12% का। एक चीज तो क्लियर है कि ये लंबे समय से कंपनी आपको रिटर्न नहीं दे रही है, अभी चलना शुरू हुई है, कुछ टाइम पहले भाई 6 महीने में आप मान लीजिए कि 6 महीने में आपको पैसा डबल कर दिया कंपनी ने, बट ये सिर्फ शुरुआत है। दो तरह की कंपनीज होती हैं, पहली जो आपको रिस्क हाई रहता है वहां पे बट रिवॉर्ड भी हाई रहता है वहां पे, ये हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाली कंपनी है। तो अगर आप यहाँ पे रिस्क ले रहे हो तो आपको हाई रिवॉर्ड के लिए रुकना चाहिए, ना सिर्फ छोटा अगर आप प्रॉफिट बनाना चाहते हो तो वो भी अच्छा रहेगा आपके लिए, बट रिस्की कंपनी है, अगर आप रिस्क इतना लेते हो तो आपको हाई रिवॉर्ड का एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए और ये कंपनी वो डिलीवर करेगी भी। अभी के लिए मैं सबसे पहले खबर दिखा देता हूँ आपको, खबर क्या है यहाँ पर अगर आप देखोगे तो चार्ट क्या है, चार्ट एक चैनल में चल रहा था, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था कि चैनल में आपका चार्ट चल रहा है और चैनल में ब्रेकडाउन जब तक नहीं मिलता तब तक कम से कम आपको होल्ड करके रखना चाहिए। जब भी निचले लेवल पे आता है पुश मिलता है, खरीदारी होती है, आप देखेंगे तो अपर एंड पर जाकर के थोड़ी बिकवाली का माहौल जरूर बनता है, बट यहाँ पे ज्यादा नीचे नहीं आएगा, दोबारा से ब्रेकआउट करके 25 रुपए तक के टारगेट आपको यहाँ पे आसानी से मिल जाएंगे। खबर की चर्चा करें उससे पहले आपको चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए न्यूज बेस्ड अगर आप निवेश करते हैं तो कई बार न्यूज क्या होता है, न्यूज कई बार चलती है कई बार नहीं चलती है, कई बार होगा कि बहुत अच्छी न्यूज आएगी और कंपनी फिर भी गिरावट में आ जाएगी, है ना। कई बार आपने देखा होगा क्वार्टरली नंबर काफी अच्छे आते हैं उसके बावजूद भी स्टॉक में नीचे चला जाता है, कई बार अच्छी खबर आती है स्टॉक में बिकवाली देखने को मिलती है। तो न्यूज बेस्ड इन्वेस्टमेंट हम यहाँ पे नहीं करेंगे, हम टेक्निकल बेस्ड करेंगे, थोड़ा सा न्यूज को एज अ हम किसी का बेस बना करके चलेंगे कि न्यूज भी हमारे पास है। अभी के लिए अगर आप देखो चैनल में स्टॉक चल रहा है, 25 रुपए का टारगेट आपको यहाँ पर बहुत ही जल्द देखने को मिल जाएगा, स्टॉक अभी भी आपका हाईली बुलिश जोन में बना हुआ है, बुलिश एंगल्सिंग पैटर्न यहाँ पर बन रहा है, साथ में मैग्डी भी अगर आप देखें तो हाई वॉल्यूम आ रहा है यहाँ पे, हाई वॉल्यूम के साथ साथ जो मैग्डी आपका वो भी बुलिश पैटर्न में बना हुआ है। एक सपोर्ट लेवल आपको लेकर के चलना है अराउंड 18 रुपए के आसपास का, 18 अगर ब्रेकडाउन करेगा तो प्रॉब्लम यहाँ पर आना स्टार्ट होगी, 18 का स्टॉप लॉस लगा करके रखना है आपको। पहला टारगेट, पहला जो लेवल रहेगा आपका दैट वुड बी अराउंड 23 रुपीज के आसपास का, सेकंड टारगेट 25 रुपीज का लेकर के चलना है। अगर आप 22 डे मूविंग एवरेज की भी बात करें तो वो भी आपका हाईली बुलिश जोन में बना हुआ, उसके ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो टेक्निकल पैटर्न बहुत ही अच्छा बाइंग पैटर्न यहाँ पर दिखा रहा है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं खबर की, खबर क्या है हमारे सामने। तो लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि ऑथम इन्वेस्टमेंट की तरफ से यहाँ पे खरीदारी का एक दिया गया है, काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर ऑथम की तरफ से आई है और उनको 8 करोड़ शेयर्स यहाँ पे आउटकम ऑफ सब्सक्रिप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, लगभग 8 करोड़ शेयर्स यहाँ पर मिले हैं, 7 करोड़ 59 लाख 77 हजार कोटी शेयर यहाँ पर मिले हैं। और प्राइस आप देखिए, प्राइस इज इंपॉर्टेंट, कई बार आपने देखा है कि कंपनी में बाहर से FII आते हैं, निवेशक आते हैं, बट वो जो है वो बेस रेट पर यहाँ पे बाय करते हैं, इस कंपनी ने बेस रेट पर बाय नहीं करा है, इस कंपनी ने करंट मार्केट प्राइस पर ही बाय करा था। आप देखेंगे तो 20 रुपए के पर शेयर पे यहाँ पे बाइंग हुई है, 10 रुपए का प्रीमियम है और 10 रुपए का स्टॉक प्राइस है। ठीक है, अभी के लिए बात की जाए, देखिए कई बार होता है कंपनी में आपने पूरी रिपोर्ट का आपको पढ़ना चाहिए, कंपनी क्या कर रही है, कैसा काम कर रही है और आगे आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, तभी आपको पता चलेगा कि मेरी कंपनी कैसी है और दूसरी कंपनी जिसमें पैसा लगा रहा हूँ वो क्या कर रही है। यहाँ पर अगर आप देखें 7 करोड़ 59 लाख 77 हजार शेयर यहाँ पर ऑथम इक्विटी को दिए गए हैं, ऑथम इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को दिए गए हैं, जो कि एक बहुत बड़ी फर्म है, FII है, और उसी का जो नोटिस है वो यहाँ पे सर्कुलर जो है वो सेबी को दिया गया आर पावर की तरफ से। डिस्क्लोजर अंडर रेगुलेशन 30 ऑफ द सेबी लिस्टिंग रेगुलेशन अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी अंडर प्रेफरेंशियल इश्यू। एक चीज जो आपको मुझे पसंद आती है बेसिकली इस कंपनी में वो ये कंपनी में मैनिपुलेशन कम है, जो भी चीजें होती हैं वो साफ आपको दिखाई देती है। अगर आप सुजलॉन की बात करो वो अक्सर आपको ASM लिस्ट में मिलेगी, तो
बहुत सारे मैनिपुलेटिव स्टॉक है जो एएसएम और जीएसएम लिस्ट में अक्सर पाए जाते हैं, आर पावर उनमें से नहीं है। तो कम से कम मैनिपुलेटिव नहीं है, खरीदारी आपको करनी है या नहीं आपका डिसीजन होना चाहिए। टारगेट जैसा मैंने बताया, पहला टारगेट आपका 22 रुपए 50 पैसे के आसपास का रहेगा, सेकंड टारगेट वुड बी अराउंड 25 रुपीज के आसपास का। स्टॉक अभी भी स्ट्रॉन्ग चल रहा है, 18 का स्टॉप लॉस लगा करके चलना है आपको। इसके नीचे अगर स्टॉक जाएगा तो वहां पर प्रॉब्लम आपको, बिकवाली का माहौल आपको देखने को मिलेगा। बहरहाल अभी के लिए खबरें अच्छी है, न्यूज बहुत अच्छी आ रही है, टेक्निकल पैटर्न अच्छा है, खरीदारी वाला चार्ट पैटर्न बना हुआ है। तो क्या है आपकी स्ट्रेटजी स्टॉक को लेकर, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। लास्ट कॉल ऑलवेज बी योर्स, क्या है आपकी स्ट्रेटजी तो वो डिसाइड आपको करना पड़ेगा। कन्विक्शन क्या है, कॉन्फिडेंस कहाँ पर आ रहा है, खबर कौन सी अच्छी है, बाय कर रहे हो सेल कर रहे हो, ये आपका डिसीजन होना चाहिए। हम वीडियो को यही खत्म करेंगे, हमारा काम है स्टॉक को एनालाइज करना है एंड टू प्रेजेंट द फेयर पिक्चर बिफोर यू। तो आपको कैसे लगी वीडियो, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, वीडियो को यही खत्म करते हैं, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हिट द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।